29वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जो 6 मार्च से 9 मार्च 2022 के बीच दरभंगा में आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव जावेद अनवर, इफ टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रवक्ता मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप यहां होने जा रही है दरभंगा में, जो संस्कृत विद्यालय और LNMU ग्राउंड में होना है, जो 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है और देश के कोने कोने जम्मू कश्मीर से लेकर सबसे ऊपर भारत से और सबसे नीचे तमिलनाडु सारे स्टेट की टीम, गर्ल्स बॉयज की टीम यहाँ आने का लगभग तय है उन लोगों का। बस हम आप लोगों के माध्यम से और सभी दरभंगा वासियों से यही आग्रह करते हैं कि इस खेल जो टेनिस बॉल नेशनल यहाँ होने जा रहा है, इसमें हम सभी लोग सहयोग करें और सहयोग करके इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएं, ताकि एक दरभंगा का बिहार का नाम जो है पूरे देश में और ऊँचा हो और प्रदेश में नाम हो। और चूंकि आप जानते होंगे कि हम लोग लगातार खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के साथ साथ और हम टेनिस बॉल क्रिकेट लगातार पहले प्लेयर भी रहे, कैप्टन भी रहे और लगातार टेनिस बॉल की हर गतिविधि में हम स्पोर्ट्स गतिविधि में रहते हैं, तो हम लोगों का और टेनिस और इसमें कितने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्लेयर्स जो है वो अभी सरकारी नौकरी में भी है, इसी एफिलेटेड है ये टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है आपको फाउंडेशन ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर से जो है यहाँ पर सारे लोग, यहाँ हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं हम लोग लगातार खेल से जुड़े हुए हैं और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं एज ए स्पॉन्सर इस आयोजन को सफल बनाने में, हम लोग एक दूसरे इस आयोजन में सफल बनाना, सब स्पॉन्सरों से हमारी गुजारिश है कि सब लोग इस आयोजन को, इस राष्ट्रीय नेशनल को हम लोग सफल बनाने का काम। सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि इस मिथिला की पावन धरती को, दरभंगा को दोबारा नेशनल करने मेजबानी करने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा 2015 में हम लोगों ने सब जूनियर करने का काम किया था नेशनल यहाँ पे, जिसमें लगभग 50 टीमें आई थी। इस बार हम लोग जूनियर नेशनल कर रहे हैं, जूनियर मतलब अंडर 19 के अंदर अभी तक 30 बॉयज की टीम और 25 गर्ल्स की टीम ने कंफर्मेशन दे दिया है। जैसा कि आप मालूम है कि हर एक राज्य से एक टीम आती है या फिर कोई एफिलेटेड यूनिट हो, जैसे विदर्भ है हमारा, पूर्वांचल है हमारा, इस तरह का मुंबई है, ये अलग यूनिट है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एक अलग यूनिट है। तो तमाम यूनिट को मिला करके 30 बॉयज की और 25 गर्ल्स की टीमों ने कंफर्मेशन हमको दे दिया है। अभी कल ही हम लोगों ने आयोजन समिति के लिए बैठक भी किया था हम लोगों ने, इसमें हमारे संघ के पदाधिकारी, जिला संघ के पदाधिकारी प्लस जो हमारे दरभंगा में खेल से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न खेलों के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हम लोगों ने कल की और उसमें सब कुछ तय हुआ है। उसमें हम लोगों को खिलाड़ियों को रहने की अच्छी व्यवस्था करनी है, खिलाड़ियों को खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करनी है, खिलाड़ियों के लिए अच्छे मैदान की व्यवस्था करनी है। मैदान हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में हम लोग मैच का आयोजन करेंगे। हम लोगों ने कुलपति महोदय से निवेदन किया है और मुझे आशा है मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव पूरा सहयोग देंगे। हमारे जो मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी हैं अजय नाथ झा, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं हमारे सहयोग के लिए, और जितने भी हमारे MP हैं, MLA हैं, MLC साहब हैं, साहिबान हैं, हमारे ex-MLA हैं, ex-MP हैं, ex-MLC हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर उन सब से हम लोग सहयोग लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी बिहार टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के चेयरमैन हैं और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के वो पैट्रन हैं, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब का पूर्ण सहयोग रहेगा इसके अंदर और पूरी तरह से रहेंगे वो। हम चाहेंगे DM साहब और SP साहब जो हमारे नए आए हैं उनसे भी हम लोग मुलाकात करके, ये लोग बहुत ही नौजवान हैं और स्पोर्ट्स के प्रति उनका को करिकुलर एक्टिविटीज के प्रति बहुत इनका मैंने रुचि सुना है, तो हम लोग उनसे भी मुलाकात करके जिला प्रशासन से, दरभंगा नगर निगम से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और तमाम लोगों दरभंगा के लोगों से जो स्पोर्ट्स लवर हैं उन सबसे सहयोग करके इस टूर्नामेंट को हम लोग सफल बनाएंगे, ताकि मिथिला का नाम हो। न सिर्फ मिथिला की इज्जत का सवाल है, दरभंगा की इज्जत का सवाल है, बल्कि पूरे बिहार का सवाल है, ये किसी एक संघ की बात नहीं है, तो हम लोग इसको सफल करेंगे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।